नमस्कार दोस्तों, एसके लाइव लर्निंग में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कुछ पर्यावरण एनवायरमेंटल स्टडीज़ के कुछ एमसीक्यूज़ के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये हमारे एमसीक्यू हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं पर्यावरण के। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अवस्थित है जिनेवा में, हेग में, न्यूयॉर्क में, पेरिस में। तो इसका सही उत्तर है हेग में। सही उत्तर इसका हेग में। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है न्यूयॉर्क में सिडनी में, एस्टरडम्स में, नागासाकी में। इसका सही उत्तर है एस्टरडम्स में। सही उत्तर है एस्टरडम्स में। अगला क्वेश्चन है, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। तो खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, अपघटनकर्ता। तो किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। शाकाहारी जो उत्पादक नहीं, प्रोडक्ट प्रोड्यूसर पर पेड़ पौधे क्या होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं। और प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी जंतु कहलाते हैं, जैसे बकरी, गाय। तो इसमें हमारा सही उत्तर है प्राथमिक उपभोक्ता ही खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रों को क्या कहते हैं। रासायनिक चक्र कहते हैं, जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं, भूगर्भिक चक्र कहते हैं, भू रासायनिक चक्र कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है। डीजल, पेट्रोल, हाइड्रोजन, कोयला। इसका सही उत्तर है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है न्यूनतम प्रदूषण उत्पन्न करता है, बाकी सभी प्रदूषण ज़्यादा करते हैं, सबका प्रदूषण। अगला क्वेश्चन है कि संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है। जंतु दैत्याकार पांडा जो है संकट के कगार पर है, इसलिए संकटग्रस्त जंतु पांडा चीन में पाया जाता है, इसका वहाँ संरक्षण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सीएफसी, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, अमोनिया, NH3, मिथाइल आइसोसाइनेट। सही इसका उत्तर है मिथाइल आइसोसाइनेट, MIC। 3 दिसंबर 1984 को ये भोपाल से रिसाव हुई थी। अगला क्वेश्चन है, किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है। जापान में, भारत में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में। इसका सही उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गिर वन्य जीव अभयारण्य निम्न में से किस वन्य जीव का कंजर्वेशन करता है। हाथी का, सांप का, गेंडा का, शेर का। इसका सही उत्तर होगा गिरी वन्य जीव अभयारण्य निम्न में से किस वन्य जीव का संरक्षण करता है। सही उत्तर है शेर का। गिरी वन्य जीव शेर का संरक्षण करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थली प्रदेशों में पाई जाती है। महोगनी, कैक्टस, फर, चंदन। इसका सही उत्तर होगा प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थली प्रदेशों में पाई जाए। तो मरुस्थली प्रदेशों में अधिकांश नाग कटीले झाड़ियाँ पाई जाती हैं, जैसे कैक्टस हो गया, नागफनी, इस तरह से कैक्टस यहाँ पे प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थली प्रदेशों में पाई जाती हैं। तो आज था पर्यावरण का एमसीक्यू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।